सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, कितनी एडजस्टमेंट बताई थी मैंने? 5 एडजस्टमेंट थी। 5 में से पहली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरी ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एंड थर्ड इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, और ज्यादातर कंफ्यूजन भी इसी के अंदर होती है। लेकिन अगर आप इसका लॉजिक समझ जाओ तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, और अभी हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बाद में इसकी एप्लीकेबिलिटी चैप्टर नंबर 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, ये आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी। क्योंकि तीनों में लगता है अलग अलग तरीके से हो रही है एडजस्टमेंट, लेकिन होना तो वही है। ठीक है, जो आपका दिमाग अभी आपको बताएगा। देखिए, अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एक ओल्ड प्रोजेक्ट पे काम किया, ठीक है, उसमें मैं था और मेरा पार्टनर बी था। ठीक है, मैं ए हो गया, मेरा पार्टनर बी हो गया। ठीक है, हम दोनों का जो रेशो था वो इक्वल था। एक ओल्ड प्रोजेक्ट पे हमने काम किया था, पुराना कोई काम किया हुआ है। अब हुआ क्या, कंपनी ने कहा जिसके लिए हमने काम किया था कि भाई साहब इस ओल्ड प्रोजेक्ट का पैसा आपको मिलेगा आने वाले नेक्स्ट 3 इयर्स में। हमने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कितना कितना पैसा मिलेगा? उसने कहा जी 1-1 लाख रुपए मिलेगा आपको। ठीक है, 1-1 लाख × 3 टोटल कितना हो गया? 3 लाख। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। उसने कहा नेक्स्ट 3 इयर्स में पैसा मिलेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हम कर चुके हैं, काम हो चुका है, पैसा मिलना बाकी है। आज हमने कहा आज हम अपना रेशियो बदल लेते हैं, 3:2 कर लेते हैं। हम दोनों ने अपना रेशियो चेंज करने का सोचा आज। अच्छा मुझे बस ये बता दो, ये 3 लाख रुपए, ये ए और बी को कितना कितना पैसा मिलना चाहिए? हमारा रेशियो चेंज हो चुका है, हमारा रेशियो 3:2 आज हो गया है, और पहले ये प्रोजेक्ट हमारा पुराना है, हमने पुराना काम किया था, उसका पैसा कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। अब मुझे आप ये बता दो, पुराना पुरानी कमाई, पुराना रेशो ये रहा, नया रेशो ये रहा। मैं ये जो आएगा मेरे पास 3 लाख, उस टाइम मेरा रेशो क्या होगा? नया वाला रेशो तो नहीं होगा। लेकिन मुझे ये बताओ मैं उसको बांटू कैसे, फटाफट बताइए। आई एम वेटिंग। तो सब बच्चों के आंसर क्या आ रहे हैं? ओल्ड है। ठीक है, अब मतलब आपको तो आंसर पता है, आपको तो एडजस्टमेंट पता चल चुकी है। आपने कहा चाहे पैसा फ्यूचर में मिल रहा है, लेकिन वो कमाई क्या है, वो मेहनत कौन सी है? वो ओल्ड एफर्ट से हुई हुई मेहनत है, और उसको बांटना कैसे चाहिए? ओल्ड रेशो में ही बांटना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, याद रहे, दिस इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है उसका पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है आज ही कि भाई 3:2 में ही बांटा जाएगा। अब से जो भी चीज होगी 3:2 में बांटी जाएगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई चीज जिसको बांटना चाहिए था 1:1 में ओल्ड रेशो में, लेकिन उसको आगे कुछ नए रेशो में बांटना पड़ेगा, तो आज आपको उसकी एडजस्टमेंट करनी है। यही है मेरी गुडविल की एडजस्टमेंट। अब आप कहोगे सर ये तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स वाला हो गया हिसाब किताब। बिल्कुल, रिजर्व्स के अंदर वो प्रॉफिट्स हैं, लेकिन इस केस के अंदर गुडविल के अंदर गुडविल का पैसा है नहीं, गुडविल का फायदा मिलना है अभी। गुडविल का मतलब ही क्या है? फ्यूचर में होने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हमें मिलेंगे पुराने एफर्ट्स की वजह से। ठीक है, तो अब क्या करें? तो सबसे पहले आपने क्या समझना है कि गुडविल कैसे हुई, गुडविल की एडजस्टमेंट। देखिए, गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का मतलब क्या है? फ्यूचर में मैं प्रॉफिट जो मैंने पास्ट में मेहनत करी हुई है, जो मैंने पास्ट एफर्ट्स करे आज तक, वो किस रेशो में करे हुए हैं? 1:1 में। जो मैंने कहा ना ओल्ड प्रोजेक्ट, ओल्ड प्रोजेक्ट को आप गुडविल से रिप्लेस कर दो, कि मैंने जो पास्ट एफर्ट्स करे हुए हैं उससे मैंने गुडविल बनाई, उस पास्ट एफर्ट्स की वैल्यू को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमारा रेशो चेंज हो रहा है, और फ्यूचर में हमें इसे किस रेशो में बांटना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना पड़ेगा। मेहनत पैसा जो था कमा हम चुके हैं, लेकिन मिलेगा बाद में,
गुडविल बना चुके हैं, लेकिन गुडविल के फायदे हमें बाद में मिलेंगे, ये तो आप समझदार हो, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये समझना है, बस सिंपल सी बात, इसकी एक एंट्री हो जानी है, दैट इज कॉल्ड गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्यों? क्योंकि ये गुडविल हमेशा किसको इंडिकेट करती है? होने वाले प्रॉफिट्स को, होने वाले लॉसेस को इंडिकेट तो करती नहीं, तो इसलिए इसकी जो एंट्री होती है वो प्रॉफिट्स वाली होती है, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये जो दिया हुआ है इसी को आगे सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए ए और बी, इनको गुडविल, जो सपोज ओल्ड प्रोजेक्ट की जगह हम गुडविल लिख देते हैं, तो गुडविल की वैल्यू हमने निकाली, जो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था वहां हमने सीखा था हाउ टू वैल्यू गुडविल। तो हमने देखा कि भाई 3 लाख की हमारी गुडविल की वैल्यू, मतलब फ्यूचर में 3 लाख के प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। अगर हम इनको ओल्ड रेशियो में बांट दें, अगर आज ये हो जाए, सपोज अगर आज ये प्रॉफिट हमें मिल चुके हैं, तो हम इसको कैसे बांटेंगे? 1:1 में 1.5 लाख, लेकिन मिले नहीं है, ये तो हमने सोचा कि आज है लेकिन मिले तो नहीं है ना, तो इन दैट केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेंगे, दैट विल बी 3:2, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 1,80,000 और 1,20,000, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसको कितने प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा मिल गए, 30,000, और इसको कितने प्रॉफिट्स कम मिले, 30,000। हु इज द गेनिंग पर्सन? गेनिंग हो गया ए, सैक्रिफाइसिंग हो गया बी। तो बस आज 30,000 रुपए ए से लेकर बी को दे दो, सो दैट वो अपनी न्यूट्रल सिचुएशन में वापस रहे, किसी को भी एग्जॉर्बिटेंट नुकसान और फायदा दोनों ही ना हो। यही हमारी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, गुडविल की एडजस्टमेंट क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। आपको कभी भी बोलेगा भाई गुडविल वैल्यू कर रहे हैं, अच्छा याद रहे गुडविल वैल्यू कर रहे हैं हम आज, ठीक है, वैल्यूड गुडविल है। आज हमारी गुडविल की वैल्यू 3 लाख है, मतलब हमने गुडविल को वैल्यू करा है, ओके। तो अब देखिए करना कैसे एडजस्टमेंट को सॉल्व, अब मैं आपको आगे ये कराता हूं। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन ऑल द 5 chapters, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पहले जनरल ट्रीटमेंट बताऊंगा फिर चैप्टर के अंदर जाके बताऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले देयर आर 2 types ऑफ गुडविल, पहली गुडविल होती है जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल इन बैलेंस शीट। गुडविल तब आती है जब हमने कभी वो परचेज कर रखी है, ठीक है। तो इन दैट केस इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है, इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, हम हटा दो गुडविल आपके लिए एसेट, एसेट को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, एसेट को खत्म करने की एंट्री क्या होगी, गुडविल होगी क्रेडिट, ठीक है। और इसे राइट ऑफ करोगे इसका सीधा इंपैक्ट कैपिटल पे पड़ेगा, एसेट खत्म हो रही है तो कैपिटल भी आपकी कम हो जाएगी, है ना। और देखिए सबसे पहले ये एग्जिस्टिंग गुडविल क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल जो है बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल आ रही है ना वो है। ये कौन सी बैलेंस शीट है, जब हम कोई भी चेंज कर रहे हैं फर्म के अंदर उस दिन की ये बैलेंस शीट बनी हुई है। अब बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई भी एक्सवाइजेड गुडविल है आपने उसको खत्म करना है, और जब एक एसेट खत्म होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कैपिटल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, पुरानी गुडविल है, पुराने रेशियो में राइट ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, याद रहे पुरानी चीजें पुराने रेशियो में खत्म कर दी गई, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट का, ठीक है। याद रहे रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये थी हमारी पुरानी गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दिखी। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था हमने अपनी गुडविल की वैल्यू निकाल दी, क्यों निकाली, क्योंकि हमें पता था हमने पहले पुरानी मेहनत करी हुई है, और पुरानी मेहनत के जो बेनिफिट्स है, जो हमने गुडविल बनाई है अपने पास एफर्ट से, उसके पैसे कब मिलेंगे, उस धीरे धीरे करके हमें फ्यूचर में उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और वो बेनिफिट्स कैसे बटने चाहिए, ओल्ड रेशियो के अंदर बटने चाहिए, लेकिन बिकॉज द चेंज इज गोइंग टू हैपन टूडे ओनली विद इफेक्ट फ्रॉम टूडे, और वो फ्यूचर में वही चेंज अप्लाई होगा, इसलिए हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसकी एडजस्टमेंट क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री विल बी गेनिंग टू
पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम गेनिंग पार्टनर से वो पैसा काट लेंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल रिपीट करना है, मैं अपना एग्जांपल दोबारा दोहरा रहा हूँ, एक मिनट रुके। हाँ जी, तो मैं कह रहा था हम छह लोगों ने मिलकर छोले भटूरे की दुकान खोली, ठीक है, 2020 के अंदर, बराबर के पार्टनर्स हैं हम छह लोग। अब मुझे ये बताओ कि 2025 तक, 5 साल जब हमारी दुकान को हो जाएंगे, क्या हमारी गुडविल होगी मार्केट में या नहीं होगी? क्या हमारा नाम चलेगा? सिर्फ 5 साल हो चुके, हमने कड़ी मेहनत करी, अच्छे अच्छे छोले भटूरे खिलाए लोगों को, तो क्या लोग हमारे नाम से हमें जानने लग जाएंगे? हाँ या ना, पहले तो मुझे यस और नो में इसका आंसर दो। तो आपके आंसर है यस। हाँ भाई, हमारा नाम हो जाएगा, हमारा नाम हो गया। अब आज के दिन और मेरा एक दोस्त आता है, कहता है भाई मुझे भी पार्टनर बना लो। मैंने कहा बन जा भाई। कहता है कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? तो हम सबसे पहले उसको ये बताएंगे कि हमने कितना पैसा लगाया था जब काम शुरू करा था। सपोज हमने सबने मिलकर 1-1 लाख रुपए लगाया था उस छोले भटूरे की दुकान में, तो कितने पैसे लगाए थे? 6 लाख। दैट वॉज द कैपिटल इन्वेस्टेड 5 years ago। ठीक है, अब और क्या लगाया हमने इन 5 सालों में? अपने एफर्ट्स लगाए, अपने एफर्ट्स लगाए, अपनी मेहनत लगाई, कैपिटल पे जो प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल लगाकर पैसे पर जो प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और जो हार्ड वर्क पे हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो जो हार्ड वर्क हमने करा, जो पास्ट एफर्ट्स से हमने अपनी मार्केट में रेपुटेशन बिल्डअप करी, उससे जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा अर्निंग होनी शुरू हो गई है, उसके लिए हमने पैसा नहीं लगाया, उसके लिए हमने अपना खून पसीना एक कराया। उस खून पसीने की वर्थ है या नहीं है? है या नहीं है, बता दो भाई। नहीं है क्या? वर्थ है। ठीक है, वही खून पसीने की जो पास्ट एफर्ट से हमने मार्केट में रेपुटेशन बिल्डअप करी है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, तो कोई भी पार्टनर आएगा, सब 1 लाख तो वो कैपिटल का देगा, तो उस कैपिटल के से जुड़े प्रॉफिट्स पर उसका हक बन गया। लेकिन क्या हमारे एफर्ट से जुड़े हुए, हार्डवर्क से जुड़े हुए प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं, उस पर उसका हक है? 1 लाख लगाओ, प्रॉफिट कमाओ, लेकिन एफर्ट्स लगाए उसने? नहीं लगाए, एफर्ट्स नहीं लगाए। तो उस एफर्ट्स के लिए ही हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट मनी। ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लेने के लिए हम क्या करते हैं? गुडविल को वैल्यू करते हैं कि भाई हमारी गुडविल की, हमारे पास एफर्ट्स की वर्थ क्या है, हम कितने ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। सपोज हम हर साल 1-1 लाख प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाते हैं, और अगर आज हमारी रेपुटेशन फर्दर बिल्डअप ना भी हो, तो भी हम 1-1 लाख जब 5 साल तक कमाएंगे या 6 साल तक कमाएंगे, तो 1 लाख अगर हम 5 साल का एग्जाम्पल लें, तो 1 लाख × 5 कितना हो गया? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे, दैट विल बी इन फ्यूचर, हर साल थोड़े थोड़े करके एक्स्ट्रा कमाएंगे। क्या जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो तो कमा ही रहे हैं, ये इतने और एक्स्ट्रा कमाएंगे क्योंकि मार्केट में हमारा नाम बन गया। तो उस नाम की, उस गुडविल का कॉन्ट्रीब्यूशन ये देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा, है ना। और अगर नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? हम उसे लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट्स तो मिलने हैं। ही इज गोइंग टू बी आवर पार्टनर, ही इज गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, एंड दैट फ्यूचर प्रॉफिट विल इंक्लूड प्रॉफिट अर्नड ड्यू टू गुडविल ऑल्सो। ठीक है, तो इन दैट केस हमने क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। व्हाट डज इट मीन? कि हूसोएवर इज गेनिंग शेयर इन गुडविल विदाउट पेइंग एनीथिंग, ठीक है, अ पर्सन इज गेनिंग प्रॉफिट्स, अ पर्सन इज गेनिंग शेयर इन प्रॉफिट्स, ठीक है, विच हैज बीन अर्नड बिकॉज ऑफ आर गुडविल, तो हमने उसके अकाउंट से वो कैपिटल में से डेबिट कर दिया, काट लिया वो पैसा, और हमने किनको दे दिया? जिनके शेयर के अंदर गिरावट आई है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अल्टीमेटली व्हेन एवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, मेनी ऑफ द पार्टनर सैक्रिफाइसेस, हो सकता है 1-2 सैक्रिफाइस किसी को होगा ही होगा, क्योंकि अगर एक नया पार्टनर आएगा तो पुराने को किसी ना किसी को सैक्रिफाइस होना ही होना है। ठीक है, तो इन दैट केस दैट गेनिंग पार्टनर इज गोइंग टू कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एज गुड एज वी लर्न इन
ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। बस रिजर्व्स और गुडविल में फर्क इतना ही है, रिजर्व्स हमारे पास होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है उसे बांटने का, एडजस्टमेंट तो हम तब करते हैं जब हम उसे बांटते नहीं है। तो समझ लो कि रिजर्व्स का जो सेकंड वाला केस है ना, व्हेन रिजर्व्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, वही हमारी गुडविल का केस है कि गुडविल कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टुडे। व्हाई? बिकॉज़ इट वी हैव नॉट अर्न दैट, वी विल अर्न इन फ्यूचर। ठीक है, यस सरपन। सो अब हम चल रहे हैं हमारे चैप्टर्स जिनके अंदर अलग अलग तरीके से गुडविल की एडजस्टमेंट होनी है। फर्स्ट इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसमें मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ और आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको दो तरीके याद है ना, दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक होता है देसी तरीका, दूसरा होता है जिसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्चुअल में बार बार। ठीक है, तो अब मैं चेंजिंग पीएसआर का एक क्वेश्चन लेके आपको समझा रहा हूँ कि हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। देखिए, हाँ जी, देखिए एक क्वेश्चन है, आप इसको रीड करिए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ये क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एक्स वाई और जेड पार्टनर्स है 1:1:1 में, दे डिसाइडेड टू चेंज इट टू 2:2:1। ठीक है, ये इसको चेंज करना चाह रहे हैं 2:2:1 में। On this date, goodwill appearing in balance sheet. Goodwill के अंदर जो balance sheet appear हो रही है, मतलब that is old goodwill, existing goodwill 90,000 है, और goodwill valued for the firm जो उसी दिन value करी गई है, वो 3,00,000 है। तो सबसे पहले हमारे solution के अंदर क्या entry होने वाली है, ये देखिए। First journal entry will be write off old goodwill. सबसे पहले आपने ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है। यहाँ मैं हेडिंग भी लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। ओल्ड गुडविल को जब आप राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितने की गुडविल है, 90,000 की, और यहाँ पे रेशियो कौन सा होगा, जहां ओल्ड पार्टनर्स है तो रेशियो भी क्या होगा, ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइजिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। तो इसको आप डेबिट कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 एंड जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। और इसकी नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। ये हमारी पुरानी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अब आते हैं हम सेकेंड, सेकेंड इज न्यू गुडविल, गुडविल जो वैल्यू करी गई है। ठीक है, आज हम वैल्यू क्या कर रहे हैं कि हमारी गुडविल 3,00,000 है, इसका मतलब फ्यूचर में 3,00,000 के हमारे प्रॉफिट जो होंगे वो गुडविल से होने वाले एक्स्ट्रा प्रॉफिट हैं। ठीक है, और वो जो प्रॉफिट्स हैं उन पर मेहनत तो पुरानी थी, लेकिन अब नया पार्टनर आ रहा है, और नया पार्टनर आ रहा है, और सॉरी नया नहीं, रेशो चेंज हो रहा है, इसको हमें बांटना चाहिए पुराने रेशो में, लेकिन बांटना पड़ेगा नए रेशो में क्योंकि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दैट विल बी अर्न्ड इन फ्यूचर, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्यूचर। तो आज आपको इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, किसको गेन हुआ किसको सैक्रिफाइस हुआ। तो वो पहले हम निकाल लेते हैं एक्स वाई और जेड, ये वर्किंग वाला पार्ट है मेरा। ठीक है, ओल्ड रेशियो वाज 1:3, 1:3 एंड 1:3, और न्यू रेशियो है 2:5, 2:5 और 1:5। लेट सी, ये आ जाएगा 15, 5 - 6, दिस इज -1:15, गेनिंग पार्टनर 5 - 6 by 15, दैट इज -1:15, ही इज आल्सो गेनिंग पार्टनर। ठीक है, 5 - 3 by 15, that 2 by 15, he is sacrificing partner. तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसको मैं रेड से लिख रहा हूं। अब कौन गेनिंग पार्टनर्स कौन है, एक्स गेनिंग पार्टनर, तो एक्स की कैपिटल हो गई डेबिट, एक्स की कैपिटल से हम पैसा काटेंगे या फिर उसकी करंट अकाउंट से पैसा काटेंगे। वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको मिलेगा, जेड को मिलेगा। ठीक है, अब Z को कितना मिलेगा, उसका गुडविल में लॉस कितना है 2:15 का। ठीक है, गुडविल कितने की है, 3,00,000 की, तो ये कितना आ गया 15 to 40,000, और ये 40,000 इनको गेन किस रेशियो में हो रहा है, 1:1 में। अगर आप देखें तो
तो 1/15, 1/15, 1:1 में, तो एक्स और वाई जो है 1:1 में, मतलब 20,000 ये देगा और 20,000 ये कॉम्पेंसेट करेगा. दिस इज एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. अब मैं इस एंट्री को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये एक्चुअल में हुआ क्या. देखिए देखिए, गुडविल का मतलब क्या है, आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे फ्यूचर में. ओल्ड प्रोजेक्ट था ना, याद है ना, ओल्ड प्रोजेक्ट का पैसा मिलना है आगे. उसको आपको बांटना कैसे चाहिए था, एक्स वाई और जेड में 1-1 लाख. ओल्ड प्रोजेक्ट है भाई, पुरानी मेहनत है, आप इसको गुडविल सोचे ही ना, आप सोचे पुराना प्रोजेक्ट था, उसका पैसा भी मिलना है आगे, मिलेगा. तो बटना तो ऐसे चाहिए था 1:1:1 में, लेकिन आज रेशो चेंज हो रहा है, तो उसको आप आगे कैसे बांटेंगे, आगे बांटेंगे आप उसको 2:1 में, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000, 1,20,000 और 60,000, ठीक है जी. 20,000 का क्या हुआ, इसको गेन हो गया, 20,000 का हो गया गेन, और इसको क्या हुआ, 40,000 का सैक्रिफाइस, क्योंकि इसको आगे जाके कम मिलेगा. तो दैट्स वाई एक्स और वाई मिलकर आज ही जेड को कॉम्पेंसेट करते थे 20,000 रुपए, ताकि उसका नुकसान जो है खत्म हो जाए. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस गुडविल कंसेप्ट, ठीक है. कोई डाउट है तो पूछ लो.